So hi guys, यार कैसे हो आप लोग? बस चल रहा है यार भाई का आज तो आज ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आज कुछ अच्छा चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। हाँ यार, अपने स्टडी से ही रिलेटिव है, तो आगे चल के देखते हैं क्या क्या हमारी इस वीडियो में मिलेगी आपको, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी मैं हूँ अभी यहाँ पे रिश्वा स्टेशन, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये, तो बस ऐसा ही कुछ सीन है। आगे चल के अभी काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं अभी यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कब तक ट्रेन आएगी और कब तक क्या, पाँच दो मिनट में यहाँ पे ट्रेन होती है, तो बस आ रही है, उसको मैं पकड़ के अपनी श्रीरामपुर से टोटो पकड़ना पड़ेगा, और फिर वहाँ से मुझे सारी सीक्रेट है ये, आगे बताता हूँ क्या करना है। तो अभी मैं यहाँ पर ट्रेन में हूँ और यहाँ से बस 2 मिनट लेंगे और उसके बाद श्रीरामपुर। और ये भाई साहब झूल रहे हैं पीछे से, यार बहुत गंदी बात है ये, अगर कहीं झूलते झूलते पड़ गया ना, देने के देने पड़े ना, छोटा बच्चा है कम से कम अंदर जाकर बैठता है, मेरे जैसे आदमी आके सीट पर आकर बैठा है, इतना अजीब लगता है ना, लग नहीं तो जिसको लगता है। तो मैं यहाँ श्रीरामपुर स्टेशन आ चुका हूँ और यहाँ से मुझे टोटो पकड़ के जानी है, और टोटो पकड़ के बस वहाँ से 5 मिनट और रास्ता है, और फिर देखते हैं कितना अच्छा मज़ा आने वाला है या कितनी अच्छी व्यू मिलने वाली है। ये मेरे पीछे श्रीरामपुर की स्टेशन है, और यहाँ पर मेरी टोटो ट्रैवलिंग ख़त्म हो चुकी है, मैं यहाँ पर टोटो वाला के पैसे दे दिया हूँ, और बस मैं आ गया हूँ अपने जगह पर, तो आपको दिखाता हूँ, कुछ 2 मिनट रुकिए, बस मैं आपको दिखाता हूँ मैं अभी कहाँ आया हूँ, और बस तो गाइस ये था मेरा श्रीरामपुर कॉलेज, और मैं इसी की बात कर रहा था, ये मेरा जनरल कॉलेज है, लेकिन मैं अभी इस कॉलेज को छोड़ चुका हूँ, मैं टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया हूँ, और ये मेरा कॉलेज था पर मैं इसको छोड़ चुका हूँ, एक जनरल कॉलेज है श्रीरामपुर कॉलेज, और काफ़ी प्रसिद्ध और नामी कॉलेज है, इसको आप गूगल करके देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, और आई थिंक ये हमारे बंगाल का एक बहुत ही बेस्ट। चलिए मैं यहाँ का दिखाता हूँ कि हमारे कॉलेज में यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है और कैसा कैसा यहाँ का व्यू है। टोटली यार काफ़ी मज़ा आने वाले हैं आज की वीडियो में, जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी ये सारे गार्डन जैसे ही है। तो ये है मेरा श्रीरामपुर कॉलेज, तो ये सारा मतलब कि एकदम गार्डन टाइप का एक पूरा कॉलेज है, और काफ़ी अच्छा कॉलेज है यार, देखने में भी अच्छा है और स्टडी में तो पूछो मत, गजब का कॉलेज। तो यहाँ पे मैं किस रीजन से आया था वो भी मैं बताऊँगा आपको, बस 2 मिनट होल्ड करो, और जिस काम से मैं यहाँ पे आया था वो काम यार नहीं हुआ, सो सैड, फिर से मुझे आना पड़ेगा। मैं तो सोचा था कि यार आज कॉलेज का आखिरी दिन हो, आखिरी दिन तो कब का ही निकल गया, मतलब मैं फिर कभी आना नहीं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है ना यार, एक प्रूफ दिखाता हूँ। तो ये एक प्रूफ है, देख रहे पूरा पानी में ही बैठ गया भाई, क्या करें यार गर्मी है, इंसान तो इंसान जानवर भी। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी यहाँ इस कॉलेज की लाइब्रेरी कैसी है, पहले तो मैं इस कॉलेज का टॉप व्यू है उसको दिखा दे रहा हूँ, जो लाइब्रेरी की टॉप व्यू है, ये पूरा लाइब्रेरी है, दिख रहा है ये,
और चलते हैं, देखते हैं अगर लाइब्रेरी खुला होगा तो पढ़ना होना कुछ नहीं है भाई, घूम के चले आएंगे, वीडियो बना के चले आएंगे। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि लाइब्रेरी अभी खुला होगा, लेकिन गेट तो खुला दिख रहा है, चलते हैं देखते हैं। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, श्रीरामपुर कॉलेज लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, तो यहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स की लिस्ट दी गई है और देख लीजिए कब से कॉलेज चालू था 1818 से, तो सारे यहाँ पे। ये हमारी लाइब्रेरी रूम है और इधर का लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी गेट अभी बंद है, लेकिन ऑफिस इसका खुला हुआ है, तो मेन गेट वहाँ पे होता है, तो यहाँ पे सर लो नहीं है अभी। तो यहाँ पे अभी लाइब्रेरी रूम भी बंद है, और तो यार समर सीजन चल रहा है तो यहाँ पे समर सीजन की छुट्टियाँ मिल चुकी है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि हमारे कॉलेज का ये ग्राउंड है, और देख सकते हैं मेरे पीछे, मतलब काफ़ी अच्छा ग्राउंड है यार। यहाँ पे फुटबॉल भी होता है और क्रिकेट भी हम लोग खेलते थे पहले, पहले का जब मैं आता था तब खेलता था, अब तो मैं कॉलेज आता नहीं हूँ तो मेरा कुछ बनता ही नहीं है कि अब यहाँ पे कुछ खेलूँ या कुछ करूँ। जनरल कॉलेज था यार, मुझे टेक्निकल लाइन में जानी थी, तो मैंने यहाँ से टाटा बाय बाय बोल दिया। यहाँ पे आया था एक रीजन के लिए, यहाँ पे मेरा फर्स्ट का रिजल्ट था तो वही लेने मैं आया था यहाँ पे, लेकिन जैसे मैं ऑफिस में पहुँचा यार टीचर बोल रहा है कि नहीं आज नहीं मिलेगा, समर सीजन के बाद आओ, क्योंकि अभी कॉलेज की छुट्टियां हो चुकी है और सच में यार कोई कॉलेज नहीं है। और देखते हैं अब समर सीजन के बाद एक बार और चांस मिल जाए आने के लिए यहाँ पे। कॉलेज का सेकेंड गेट है लेकिन कभी ये खुलता उलता नहीं है, हमेशा ये लॉक ही रहता है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इतना बड़ा मेन गेट है, वहीं से सारी चीज़ें एंट्री हो जाती है, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, इसलिए ये गेट हमेशा के लिए बंद ही रहता है कैंटीन में। और देखते हैं वहाँ पे कुछ खास मिलता है या नहीं मिलता है। और बॉयज़ कॉमन रूम भी है, वहाँ पे भी चलेंगे, और गर्ल्स कॉमन रूम में भी चलेंगे। नहीं यार नहीं, ये गलत बात है, गर्ल्स कॉमन रूम में नहीं जाना चाहिए, पर चलते हैं देखते हैं, थोड़ी कोई होगा हमारे कॉलेज का कैंटीन। और यहाँ पे चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कुछ खाने होने के मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये है हमारा कॉलेज कैंटीन, और अभी यहाँ पे सारी चीज़ कुछ दिख रहा है, सारी बेंचेस दिख रही है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई है नहीं तो कुछ खाने वाने को भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम चलते हैं फिर से आगे। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे बॉयज़ कॉमन रूम में, जो कि आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है, यानी कि सारी सच में छुट्टियाँ चल रही है यार, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। और कॉलेज में यार छुट्टियाँ चल रही है तो यहाँ पे कुछ थोड़ी होने वाला है। और ये है कॉलेज का नोटिस बोर्ड, यहाँ पे सारी नोटिस जितने भी लेटेस्ट नोटिस आती है कॉलेज के, जो भी एग्ज़ाम डेट फीस जो भी हो, फलाना ढिमकाना सारी चीज़ यहाँ पे चिपकाए जाते हैं, और काफ़ी अच्छा है, पूरे सब लाइन से लगा हुआ है, हर ईयर्स की यहाँ पे नोटिस टंगी। तो ये है आर्ट्स ब्लॉग, यहीं पे हमारी सारी क्लासेस होती थी और अभी भी यहीं पे सारी क्लासेस होती है। तो चलिए मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ कि क्या कुछ सीन है यहाँ पे। यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि वहाँ पर मिले थे। चलिए हम लोग क्लासेस चलती थी पहले, जैसे कि ये दिख रही है सारे यहाँ पे जो रूम है यहाँ पे क्लासेस होती है, और ऊपर और यहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स की क्लासेस होती है, और ये साइड बीएससी का क्लास होता है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर भी एक सेम गार्डन वाला फीलिंग है, और पीछे एक सबसे दिलचस्प व्यू आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि काफ़ी अच्छे यहाँ का एक टॉप व्यू। ये एक एनसीसी डिपार्ट है, और देख सकते हैं कि काफ़ी एनसीसी की चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, और पूरा एक गार्डन की तरह बनाया गया है, दिख रहा है एनसीसी। तो यहाँ पे मतलब कि सारी टॉप की चीज़ें, और मेरे पीछे आप भी देख सकते हैं कि ये, और यहाँ पे हमेशा कंटिन्यू ये गार्डन वाला काम होता रहता है, और फूले तो यार पूछो मत, काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे फूल मिलते हैं, दिख रहा है
सारी चीज़ें देख लो यार। गाइस ये था हमारे श्रीरामपुर कॉलेज और मैं यहाँ पे की कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बता दूँ जो कि काफ़ी मायने रखती है इस कॉलेज के लिए। अगर इस बार कोई 12 देके इस कॉलेज में आना चाहता है तो पहले बता दूँ उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें। और इस कॉलेज में अगर ऑनर्स लेना है तो आपको 80% लाना पड़ेगा और 80% के ऊपर यहाँ पे कट ऑफ। अदरवाइज आपको पास या जनरल कैटेगरी में चाहिए एडमिशन तो उसके लिए भी 50% मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पर नॉर्मली यार जल्दी यहाँ पर किसी को एडमिशन मिलता उलता नहीं है, और अगर मिल रहा है यार तो यहाँ पर जल्दी से दौड़ पड़ो यार। कॉलेज काफ़ी अच्छा है, मैंने आपको दिखा दिया यार कॉलेज की सारी चीज़ की। यहाँ पे जो कॉलेज का पूरा जो टॉप व्यू था या जो कुछ ख़राब व्यू भी था मैंने सारे चीज़ आपको दिखा दिया, क्लियर कर दिया। ये एक क्रिश्चियन कॉलेज है और यहाँ पे कि सारे मतलब कि इंडियंस तो रहते ही हैं, हमारे यहाँ के लोकल लड़के भी है और बाहर से भी स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, और यहाँ पे चाइना के लोग स्पेशलिस्ट यहाँ पे आते हैं और उनके लिए एक हॉस्टल बनाया गया है हॉस्टल। और यहाँ पे नॉर्मली जो लड़के आते हैं उनके लिए सारे कॉलेज होते हैं और कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो कि हमें फॉलो करने चाहिए इस कॉलेज का। अगर इस बार का कोई HS देके आ रहा है तो उसके लिए कॉलेज बेस्ट रहेगा, अगर जनरल कॉलेज में पढ़ना है ना तो श्रीरामपुर कॉलेज इज द बेस्ट। फाइनली बाय बाय टट्टा, कमेंट करके बताओ यार कौन कौन यहाँ पे श्रीरामपुर कॉलेज में है या कोई एडमिशन लेना चाहता हो तो यार कमेंट करो और जल्दी से बताओ। लोग तो यार वीडियो देखते हैं पर कोई कमेंट नहीं करता है, पर भाई कमेंट करो यार, बताओ कैसी वीडियो लग रही है और भाई कैसा बना रहा है आजकल।